ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानतां शिव स्वरूप शिव कार नमो त्रियोग समारिके पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ छोटा समय सार, उसमें हमने कल दो गाथाएं देखी, दो छंद देखे। अब आगे तीसरे छंद में ऊपर हेडिंग क्या दिया है, दूसरी गाथा में कहा ना, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, है ना। मोह रूपी मदिरा पान करके ये जीव क्या हो गया है, अपने आप को भूल गया है, समझ में आ रहा ना। क्योंकि अनादि काल से एक काम नहीं किया, सब कुछ कर लिया, अनंत काल गया ना संसार में, तो अनंत काल संसार में इस जीव ने सब कुछ किया। देखो तीसरी गाथा में आएगा, तास ब्रह्मण की है बहु कथा, माने संसार में रखने का काल कितना चला गया, अनंत चला गया। तो सब कुछ किया पर क्या नहीं किया, अनंत काल में भव रहित होने का उपाय ही नहीं किया। क्या नहीं किया लब्धी बेटा, भव रहित होने का उपाय नहीं किया, भगवान बनने का क्या नहीं किया, उपाय नहीं किया, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे तीसरी गाथा में तीसरे छंद में चलिए बेटा क्या लिखते हैं, ऊपर हेडिंग क्या है, या आ ग्रंथनी प्रामाणिकता अने निगोदनु दुख। चालू कहाँ से की अपनी जर्नी, अपन अनादिकाल से कौन सी दशा में अनंत काल व्यतीत किया, निगोद में। कहा था ना चार गति में सबसे ज्यादा काल इस जीव ने कहा व्यतीत किया है, निगोद में व्यतीत किया है, समझ में आ रहा है ना। तिर्यंश का पाठ है ना निगोद, समझ में आ रहा है। तो निगोद तो गुरुदेव जी कहते थे इस जीव का पियर है, क्या कहते थे, पियर है। और मोक्ष दशा है, सिद्ध दशा है, इसका क्या है, ससुराल है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि बहुत काल हमने कहा व्यतीत किया निगोद में। अब देखो क्या कहते हैं, तास ब्रह्मण की है बहु कथा पे कुछ कही कही मुनि यथा काल अनंत निगोद मंजार बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। क्या कहते हैं, तास ब्रह्मण की है बहु कथा, माने कथा तो बहुत लंबी है हा? पर क्या करूंगा मैं मैं पेक कुछ कछु कहूँ कही मुनि यथा, मुनियों ने जो कही है ना, आचार्यों ने जो कही है, पूर्वाचार्यों ने जो कही है, वो कथा मैं कहूंगा, समझ में आ रहा ना। मेरे घर की बात चर्या क्या कह रहे, मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूँ, ख्याल आ रहा है, जिन जो आचार्यों ने कही है वो ही मैं कहने जा रहा हूँ, पर मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको कैसे कहूंगा, पे कुछ कछु माने उसको थोड़ा सैंपल, ख्याल आ रहा ना, उसको कैसे बताऊंगा मैं, सैंपल में बताऊंगा। देखो कहते हैं ना कि ये अनंत काल का दुख तो इतना भोगा, अनंत काल जो दुख भोगे उसका तो तीव्रता में अनुभव किया, समझ में आ रहा है। पर जो चर्चा करने वाले माने जो कहने वाले मुनिराज है, आचार्य है, उनके आंख में से भी वो दुख सुनकर देखकर उनके आंख में से भी क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। माने भोगते हैं तब तो आंसू निकलते हैं, पर सुनकर ऐसे दुख को सुनकर वर्णन करके आचार्य के आंख में से क्या आते हैं, आंसू आते हैं, समझ में आ रहा है ना। ऐसी हमने दशा चार गति में क्या की है, व्यतीत की है। क्यों चार गति में परिभ्रमण किया, क्योंकि जो शरीर है ना उसको क्या माना, अपना माना। शरीर मेरा कभी हुआ नहीं और मैंने उसको क्या माना, अपना माना। इसलिए कहते हैं ना कि सात व्यसन के फल में तो जीव नरक में जाता है,
पर मिथ्यात्व के फल में जीव निगोद में जाता है। नरक से भी निगोद के दुख ज्यादा के कम, ज्यादा समझ में आ रहा ना, नरक से भी निगोद के दुख ज्यादा, अनंत गुणे ज्यादा, क्योंकि नरक में तो जीव का कौन सी दशा में, सन्नी पंचेंद्रिय है, और निगोद में तो मात्र एक इंद्रिय ही रह जाती है। एक इंद्रिय में क्या ऊंचू है, हाँ देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमको क्या लगता है कि संगनी पंचेंद्रिय जीव है ना, उनके तो दुख हमको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, बराबर, उनके तो दुख हमको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ना, तो हमको तो ये लग रहा है कि ये ज्यादा दुखी है। हाँ, और निगोदिया जीव दुख व्यक्त कर सकते नहीं, देखो संगनी ये सारे जीव तो अपने दुख कह सकते हैं, व्यक्त करते हैं, इसलिए हमको क्या लगता है कि ये ज्यादा दुखी है, और निगोदिया जीव दुख व्यक्त कर सकते नहीं, तो हमको ऐसा लगता है कि दुख क्या कहा है उनको। हाँ, पर ऐसा नहीं है, व्यक्त नहीं कर सकते, पर तो भी वे कैसे दुखी है, अनंत दुखी है। आता ना छोटा बालक होता है, छोटा बालक होता है तो अभी उसकी उसकी ऐसी इंद्रिया माने बोल नहीं सकता है ना, कह नहीं सकता है ना, समझ में आ रहा ना, तो उसको कुछ दुख हो तो व्यक्त नहीं कर पाता है कि नहीं, है ना, कितना दुखी है वो, ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसको दुख इस बात का है कि दुख होने के बावजूद भी उसको क्या नहीं कर सकता, वो व्यक्त नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। इसलिए निगोदिया जीव तो अनंत दुखी है, और कहा कि सात व्यसन में तो जीव नरक में जाता है, पर मिथ्यात्व के फल में जीव निगोद में जाता है, निगोद में से निकलना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, निगोद में से निकलना अति अति दुर्लभ है, इसलिए कहा ना क्या, तास ब्रह्मण की है बहु कथा, पे कछु कही कहू कही मुनि यथा, कही मुनि यथा माने जो मुनियों ने कही है वो मैं कहना जाने वा कहने जाने वाला हूँ, है ना। फिर दूसरी लाइन में काल अनंत निगोद मंजार, वीत्यो एक द्रिय तन धार, कहा व्यतीत किया अनंत काल निगोद में व्यतीत किया, और वीत्यो एक इंद्रिय तन धार, कौन सा तन, एक इंद्रिय पर्याय का, खाली कौन सी इंद्रिया, खाली एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र ही रहती है, होता है ना। देखो जन्म और मरण इसके बाद आएगा ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, है ना, जन्म मरण का दुख है निगोद दशा में, माने एक श्वास माने कितना कम समय, और उस एक श्वास में कितनी बार जन्म और मरण, 18 बार जन्म और मरण कर लेता है, समझ में आ रहा है ना, है ना, तीन चीज होती है ना, जन्म मरण और निर्वाण, समझ में आ रहा है, मरण किसको कहते हैं, मरण मरण किसको कहते हैं, मरण किसको कहते हैं, एक बार मरे तो फिर से जन्म लेते हैं। हाँ, माने एक बार ये शरीर का वियोग हुआ और फिर से क्या करता है वो, संयोग करता है, उसको कहते हैं मरण, समझ में आ रहा है। जन्म किसको कहते हैं, नए शरीर को धारण करना, मरण किसको कहा, पुराने शरीर को छोड़ के वापिस धारण करना, उसको मरण कहेंगे। पुराने शरीर को छोड़ना, पुराने शरीर को छोड़ा उसको क्या कहेंगे, मरण कहेंगे, नवीन शरीर को धारण किया उसको जन्म कहेंगे, पर निर्वाण किसको कहेंगे, एक बार शरीर का वियोग हुआ बहुत बढ़िया है ना, एक बार शरीर का वियोग हो गया तो फिर से वे शरीर धारण नहीं करते हैं, ऐसे जो अरिहंत परमात्मा का जो मरण होता है वो मरण नहीं कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। ऐसी भावना बानी है ये, भाव में भावना किसकी बानी है, कि मैं जन्म मरण से रहित हो जाऊं, मुझे ऐसे नए नए शरीर धारण करने ना पड़े, मुझे निगोद में जाना ना पड़े, समझ में आ रहा है। इसलिए इस भाव में मैं मेरे आत्मा की क्या कर लूं, आराधना कर लूं। सुबह से शाम, सुबह उठते ही हमारा सेंटर पॉइंट क्या बनता है, सेंटर पॉइंट
मेन पॉइंट जिस पे अपना हमारा पूरा टाइम लक्ष्य रहता है, पूरा दिन उसके ऊपर लक्ष्य रहता है। कौन किसके ऊपर? शरीर के ऊपर है ना, शरीर के ऊपर लक्ष्य रहता है ना। सुबह से उठो तो क्या करते हैं, ब्रश, नाना, धोना, ख्याल आ रहा है ना, कपड़े पहनना, खाना, नाश्ता, समझ में आ रहा है। पूरा सुबह से लेके रात तक ये जीव किसकी ड्यूटी में लगा है, किसकी ड्यूटी में? शरीर की ड्यूटी में लगा है। कहते हैं ना, क्या बन के बैठ गया शरीर का, क्या बन के बैठ गया, ये सेवक, नौकर बन के बैठ गया। है कौन? है परमात्मा। और क्या बन के बैठ गया इसका? नौकर बन के बैठ गया। माने ये जैसे बोले वैसे ये आत्मा परिणमन करता है। और एक समय आएगा कि शरीर ही क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। इसलिए अभी क्या हो जाए, हम अभी क्या हो जाए, हम कैसे हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि शरीर तो मुझे छोड़ के जाने वाला है। देखो ये चार्ट, अब यहाँ निगोद दशा कैसी आई, निगोद दशा कौन से उसमें आता है। तो सबसे पहले अपन छह द्रव्य ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो पहले तो जीव, पांच द्रव्य को अलग छोड़ दो, जीव के दो भेद करते हैं। रवि मेरा पता है जीव के दो भेद कौन से? संसारी और मुक्त। जोशना जी मेरा, संसारी और मुक्त। संसारी में कौन जाएंगे? जो संसार में रखड़ रहे हैं। और मुक्त में दो जाएंगे, अरिहंत और सिद्ध। अब संसारी नहीं, क्योंकि इसमें नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वे मुक्त होने वाले हैं ना, अब वापस वो संसार में आने वाले नहीं है, इसलिए एक अपेक्षा से ले सकते हैं। पर ऐसे देखे तो वो मुक्त हो जाने वाले हैं, अब वो वापस संसार में नहीं आने वाले। 13वां, 14वां और बाद में क्या आएगा? सिद्ध नियम से आएगा, आएगा और आएगा, इसलिए उसको मुक्त में लिया। जीवन मुक्त हो गए ना, जीवन मुक्त हो गए ना, अब वापस दोबारा जीवन धारण करने वाले नहीं है। अब संसारी में दो, त्रस और स्थावर। त्रस में पांच, त्रस में कितने? पांच। कौन कौन से? सावर में पांच, सावर में कौन कौन से पांच? अग्नि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक। वेरी गुड, बराबर। और त्रस में कौन कौन से? दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, बराबर, दो से लेके पंचेंद्रिय तक। अब यहाँ पे जो एक इंद्रिय कहा ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, वनस्पति, अब वनस्पति के दो भेद किए, प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक और साधारण, है ना। प्रत्येक की परिभाषा क्या है? प्रत्येक माने मतलब एक शरीर का स्वामी एक ही। हाँ, बहुत बढ़िया, एक शरीर का स्वामी एक जीव, है ना। और साधारण, हाँ, कोई कोई में जो फूल एकदम खिल गया हो ना, समझ में आ रहा ना, जो पत्ते बड़े हो गए हो, तो फिर वो एक एक शरीर में एक जीव, ख्याल आ रहा ना। हाँ, तो ऐसे एक शरीर में एक जीव रहने वाले हो, उसको कौन से जीव कहेंगे? प्रत्येक वनस्पति। अब साधारण किसको कहेंगे? एक शरीर में अनंत जीव, एक शरीर में, हाँ, कन्मूल के जीव। वो छोटे होते हैं ना, तो उसमें भी ऐसे साधारण जीव पाए जाते हैं, एक शरीर में अनंत जीव, ख्याल आ रहा है, जैसे कि, है ना। तो अब साधारण जो है वो कन्मूल आदि वाले जीव, कन्मूल आदि लेना उसमें, माने एक शरीर का स्वामी, माने कन्मूल के एक कटकी के, कटकी में एक राई जितली, जितनी कटकी में असंख्यात तो औदारिक शरीर, और एक एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव। कितने कहे? अनंत निगोदिया जीव, एक शरीर में कितने? अनंत निगोदिया जीव, माने सबका श्वासोश्वास साथ में, सबका आहार साथ में, शरीर एक, जन्मे साथ में और मरे साथ में। क्योंकि यहाँ पे ऐसी भावना भाई होगी ना, हाँ, के साथ में ही रहेंगे, साथ में ही जिएंगे और साथ में ही मरेंगे। तो अभी कहाँ जाके उत्पन्न हो जाते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे साधारण वनस्पति में जाके उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कहा? देखो, उनका तेजस और कार्मन शरीर है ना, वो सबका अलग अलग। क्या कहा? औदारिक शरीर एक, पर तेजस और कार्मन सबका अलग अलग।
ख्याल है ना, ऐसी ये निगोद दशा है कि जिससे जिसका वर्णन जिसके दुख का वर्णन हम हमारे शब्दों में कही सकता नहीं, कहा जा सकता नहीं है। ऐसे यहाँ पे कहा कि काल अनंत निगोद मंजार बीत्यो एकेन्द्रिय तन धार, कौन सा तन धारण किया, एक इंद्रिय तन धारण करके अनंत काल संसार में परिभ्रमण किया। आगे अब देखो, अब कौन सी गाथा आएगी, चौथा नंबर का छंद, एक बार साथ में पढ़ेंगे। ऊपर का पहले हेडिंग पढ़ती हूँ, निगोद नु दुख अनित्याति निकड़ी ने प्राप्त करेली पर्याय। अब निगोद में से जीव निकला, कहाँ से निकला जोशना जी, निगोद में से निकला, अब कहाँ कहाँ पहले तो जन्म लेगा, अब सीधा पंचेंद्रिय नहीं बनेगा, पहले निगोद में से निकल के कहाँ जन्मेगा तो वो बताते हैं। देखो क्या कहते हैं, एक श्वास में अठ दस बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। क्या कहा, क्या बना, अब एक श्वास में अठ दस बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, क्यों किया ये जन्म मरण, क्यों ऐसे निगोद दशा में व्यतीत करना पड़ा अनंत काल, क्योंकि कषाई तीव्र थी ना, और ज्ञान क्या हो गया था, दब गया था, माने ज्ञान को जाना नहीं, ज्ञान की कीमत की नहीं, ज्ञान की महिमा आई नहीं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं जानने वाला तत्व हूँ, उसका अनादर किया तो कहाँ फेंका गया, निगोद में फेंका गया, क्योंकि निगोद में ज्ञान कितना हो जाता है, अक्षर के अनंतवे भाग का ज्ञान रह जाता है, कषाय तीव्र और ज्ञानहीन है ना, कषाय तीव्र, जब ज्ञान तीव्र हो जाएगा, ज्ञान पूर्ण प्रकट माने ज्ञान की प्रकटता ज्यादा होगी तो कषाय कैसी होगी, मंद होगी। देखो हम भी देखेंगे क्षयोपशम ज्ञान, देखना आप कषाय की मंदता जा होगी ना, वहां क्षयोपशम ज्ञान का उगाड़ ज्यादा होगा। क्या कहा, कषाय की मंदता होगी तो क्षयोपशम ज्ञान का उगाड़ ज्यादा होता है, और कषाय की तीव्रता होती है वहां क्षयोपशम ज्ञान मंद पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, टोडल मल जी ने कहा है मोक्षमय प्रकाशक में, है ना, तो यहाँ पे ज्ञान का क्या कर दिया, ज्ञान का ही क्या कर दिया, नहीं ज्ञान का क्या कर दिया हमने, अनादर किया, इसलिए वो ज्ञान घट 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 के घट कर कितना हो गया, अक्षर का अनंत भाग का ज्ञान हुआ, और अगर ज्ञान का आदर करते हैं महिमा करते हैं तो वो ही ज्ञान बढ़ के क्या किसको प्राप्त करेगा, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। समझ में आ रहा ना, इसलिए ज्ञान का दुरुपयोग करना लब्धि बेटा, या ज्ञान का सदुपयोग करना वो किसके हाथ में है, वो मेरे हाथ में है। ये पांच इंद्रिय के विषय में, टीवी में, पिक्चर में, है ना, बाहर में जो लगाते हैं ना, बाहर की पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में, ये सब में क्या होता है, सब में कौन सा कर्म का बंध होता है, ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। समझ में आ रहा है ना, तो ये ज्ञान क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, और हाँ पढ़ाई बाहर में लगा ना, ये उपयोग समझ में आ रहा ना, पांच इंद्रिय के विषयों में लगा ना, हाँ दुनिया को जानने में लगा कि नहीं, हाँ तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा था, आत्मा में से आ रहा था, और लगाया कहाँ, बाहर में लगाया, दुरुपयोग किया, तो कभी भी ज्ञान की पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। देखो अपन सुबह उठ के न्यूज़पेपर जो पढ़ता है ना, हाँ उसको न्यूज़पेपर क्यों खोलता है, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है ना, हाँ वो जानने के लिए वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर खोल के बैठते हैं, है? और जिसको आत्मा जानना हो, आत्मा जानना हो, वो सुबह क्या खोल के बैठेंगे, पूनम भाभी क्या खोल के बैठेंगे, झिनवाणी खोल के बैठेंगे, जिसको जिसको बाहर का जानना हो वो क्या खोल के खोलेंगे, न्यूज़पेपर। एक दिन न्यूज़पेपर नहीं आएगा ना, हाँ तो कैसा हो जाएगा, समझ में आ रहा हो, हाँ कितना आकुल व्याकुल हो जाता है ना, क्योंकि उसको 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 पर की रुचि है, और जिसको आत्मा की रुचि होगी वो नियम से क्या खोल के बैठेगा, सुबह सुबह शास्त्र जिनवाणी खोल के बैठेगा। देखो क्या कहते हैं, निकसी भूमि जल पावक भयो, अब क्या क्या बना,
निकसी माने, निकसी माने क्या बना? हाँ, निकला। फिर भूमि, भूमि माने पृथ्वी काई, भूमि माने पृथ्वी काई, जल पानी, बराबर जल काई जीव। पावक माने, पावक माने अग्नि काई, बराबर। फिर भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, पवन प्रत्येक, पवन माने वायु काई, और प्रत्येक वनस्पति थयो, कहाँ से निकला, और ये पहले पर्यायों को धारण किया, पहले निकला निगोद में से, अनंत काल वहां व्यतीत किया, और फिर निकलकर ऐसी एक इंद्रिय में परिभ्रमण किया। तोरणमल जी ने, पंडित जी ने बताया है ना कि एक इंद्रिय में रुलने का काल कितना बताया, एक इंद्रिय में रखड़ने का काल असंख्यात कल्प काल, कितना बताया, असंख्यात कल्प काल है ना। इतर निगोद का काल बताया, इतर निगोद का काल बताया, ढाई पुद्गल परावर्तन, कितना, ढाई पुद्गल परावर्तन। और इतर निगोद और एक इंद्रिय में रुलने का काल दोनों को मिलाकर, माने इतर निगोद से निकला, इन पर्यायों में रूला, फिर वापस इतर निगोद में गया, फिर वापस निकला और एक पांच ये पर्यायों में परिभ्रमण किया, वापस इतर निगोद में गया, तो दोनों को मिलाकर परिभ्रमण का काल कहा असंख्यात पुद्गल परावर्तन। कितना काल, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। इतर निगोद का काल कितना कहा, निकल के वापस जाते हैं ना, तो वो हो जाएगा इतर निगोद, और निगोद में से वापस नहीं आते, इतर निगोद में से निकलते हैं, निकलते हैं नित्य निगोद में सर, इतर में ही अनंत काल इतर में पड़े रहते हैं, नहीं नित्य में, नित्य में अनंत काल से जीव है तो नित्य में से नहीं, नहीं ना, वहां से निकलते हैं ना, जो छह महीने आठ समय में निकलते हैं वो नित्य निगोद में से निकलते हैं। इतर निगोद तो ऐसी, उसी जीव को इतर निगोद भी कहेंगे, कब कहेंगे कि एक बार वो निकला, अभी तक नहीं निकला था पर निकलेगा, उसको कहेंगे नित्य निगोद, और जो निकला और वापस चला गया उसको कहेंगे इतर निगोद। तो क्या कहेंगे, निगोद से वापस निकलते आता, हाँ निकलेगा ना वापस, मैंने कहा ना इतर निगोद से वापस, ये सारी एक इंद्रिय की पर्याय, वापस एक इंद्रिय से इतर निगोद, मतलब वापस जैसे अपने 2000 सागर कंप्लीट हो गए, हाँ फिर से अपन निगोद में चल जाएंगे, हाँ फिर वहां चप गए फिर से निकलते आता क्या, हाँ तो वो हो जाएगा इतर निगोद, एक बार जाके एक बार निकल के वापस गए तो वो हो जाएगा इतर निगोद, फिर निकल सकते हैं इतर निगोद में से वापस निकलेंगे, इसलिए इतर निगोद बोलते हैं क्या कि वापस नहीं आता, हाँ वापस जाएगा, वापस निकलेगा, वापस जाएगा, तो अब ये जीव इतर निगोद कहलाएगा, पर एक भी बार निकला नहीं है और निकलेगा उसको कहेंगे नित्य निगोद, अभी तक एक भी बार निकला नहीं है, फिर वो निकलते हैं और सीधा मींस एक पर्याय धारण करके मोक्ष चले जाते हैं, नहीं सब नहीं, वो तो भरत चक्रवर्ती के उनके पुत्र के साथ ऐसा हुआ था, है ना, ये तो बहुत दुर्लभ है, ये तो दुर्लभ है, माने निगोद से निकल के सीधा एकाध पर्याय धारण करके संगनी बनना बहुत दुर्लभ है, पहले तो ये सारी पर्यायों में ही रूलेगा, एक एक इंद्रिय वाली, जल काय, पृथ्वी काय, अग्नि काय, वनस्पति काय, कितना काल, फिर दो इंद्रिय, फिर तीन इंद्रिय, माने वो परिणाम ऐसे होने चाहिए ना कि ऐसे परिणाम करके फिर वो संगनी बने, ऐसे परिणाम होना ही दुर्लभ है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, आप ज्ञान है पर इतना इतना हीन है कि विचार करने की शक्ति ही नहीं है। बोलो वो कीड़ी होती ना कीड़ी, हाँ बोलो बोलो अब्दी, बोलो नरक और निगोद में कौन सा अच्छा है, दोनों ही खराब है लेकिन नरक ज्यादा वो है कि नरक से भी दोनों दुखमय दशा है, पर नरक से भी निगोद के दुख अनंत गुणे ज्यादा है, नरक में भी कहाँ शांति है ना, कोई भी गति में शांति नहीं है, क्योंकि नरक में तो निरंतर क्या है, मार काठी चलती है, तीव्र आकुलता, तीव्र दुख नरक में भी, ख्याल आ रहा है ना, और नरक से भी अनंत गुणा दुख कहा निगोद में है। क्या कह रही थी आप, काल समझ में आया, और त्रस पर्याय का काल बताया, अब आगे वो बाद में देखेंगे त्रस पर्याय की जब वो छंद आएगा तब, हाँ ये सब भूमियों में से निकल कर अब कहाँ पे आएगा वो जीव, अब आएगा कहाँ, अब वो आएगा दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि में, कहाँ आएगा, दो तीन इंद्रिय में आएगा, कहाँ से निकला, पहले निगोद में से निकला,
निगोद के दुख बताए एक श्वास में अठ दस बार, जन्म्यो मरियो मरियो दुख बार। फिर कहा आया जल पावक भयो, है ना, पांच एक इंद्रिय में आया। फिर कहा अब कहा आएगा वो, अब दो तीन इंद्रियों को प्राप्त करता है, क्रम से वो आगे आगे बढ़ता है। आगे अब देखो, अब पांचवा छंद अपन साथ में पढ़ते हैं। ऊपर लिखा है तीर्यंज गति मा त्रस पर्यायनी दुर्लभता अने तेनु दुख। क्या कहा, क्या कहा, तीर्यंज गति मा, ये जो एक इंद्रिय से लेके, आप लिख लेना, एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय तक के जो जीव है ना, वो सारे तीर्यंज गति के जीव, चार इंद्रिय वाले जो जीव है वो सारे कौन से गति वाले हैं, वो सारे तीर्यंज गति वाले जीव है। लिखा क्या लिखा, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक। अब तीर्यंज में ही दो भेद पड़ते हैं, हमने वो चार्ट बनाया ना, उसमें ही तीर्यंज के दो भेद, संगनी और असंगनी, मनुष्य नारकी और देव चर्या बेटा कैसे होते हैं, पंचेंद्रिय संगनी ही होते हैं। बहुत बढ़िया। और जो संगनी असंगनी का भेद पड़ता है वो किसमें पड़ता है, वो तीर्यंज में पड़ता है। अब सुनना, अब कोई स्टूडेंट, हाँ कोई लड़का हो, हाँ वो उसको 10 मार्क आए, समझ में आया, और वो फेल हो गया, बराबर। और दूसरा लड़का है उसको भी, उसको 15 मार्क आए, बराबर, तो वो भी फेल हो गया। खाली इससे क्या आया था, 5 मार्क्स, थोड़े ज्यादा और ले लो, 40 ले लो, समझ में आ रहा ना, 100 मार्क का पेपर है तो उसको कितने आए, 40 तो नहीं, 35 पार्सिंग होते ना, तो उसको 30 आए और एक को 10 आए, तो दोनों दो, भले उससे इसके ज्यादा है पर दोनों फेल ही है ना, दोनों फेल ही है ना, एक को 10 आए और एक को 30 आए, भले वो 10 से 30 ज्यादा है पर दोनों, बोलो वो 30 वाला अपना आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता ना, दोनों फेली है ना। ऐसे एक निगोदिया जी है ना, वो भी असंगनी और एक पंचेंद्रिय असंगनी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक निगोदिया असंगनी और एक पंचेंद्रिय असंगनी, बोलो क्या अंतर है। जैसे वो दोनों लड़के में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे फेलियर्स। ऐसे निगोदिया जी और हम बोलेंगे अरे वो संगनी तो पंचेंद्रिय तो बने ना, पर पंचेंद्रिय बन के क्या फायदा है, है तो असंगनी ना, मनी नहीं है, हित हित का क्या नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, इसलिए पंचेंद्रिय बनने के बाद भी वे उनका भव तो कैसा गया, कैसा गया, उनका व्यर्थ ही चला गया, समझ में आ रहा ना, दोनों एक ही कैटेगरी में है, इसीलिए सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है, जो संगनी भी हो और क्या हो, मन वाला भी हो, वो ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए अभी देखो इसके दुख बताएंगे, अब क्या कहते हैं, देखो दुर्लभ लई जो चिंता मणि त्यो परियाय लही त्रस तणी लट पिपील अलि आदि शरीर दर दर मर्यो सही बहु पीर। क्या कहा, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, अभी यहाँ पे मिलता होगा कि नहीं चिंतामणि, पंचम काल में कहीं दिखता होगा कि नहीं, हाँ शायद कहीं दिखे तो कौन से काल में दिखता होगा, चौथे काल में, समझ में आ रहा ना। ऐसे यहाँ पे ये त्रस पर्याय मिलना, त्रस पर्याय मिलना किसके समान है, चिंतामणि के समान, दौलत राम जी ने कही है। और उसमें भी लट माने क्या, लट माने क्या, ईयर, गुजराती में कहे ना ईयर, बराबर, हिंदी में आप क्या बोलते हो, नहीं लट ही बोलते हैं, लट बोलते, ओके, पीपल, पीपिल, पीपिल माने कीड़ी, पीपिल माने कीड़ी, और अली माने भमरो, भमरा, भमरा। अब देखो लट है दो इंद्रिय, कीड़ी है तीन इंद्रिय और भमरा है चार इंद्रिय। अभी तो चार इंद्रिय तक की ही बात की, समझ में आ रहा ना, फिर से लट कौन सी, कितनी इंद्रिय, दो, कीड़ी तीन और भमरा चार। भमरा को चार इंद्रिय कौन सी, स्पर्शन रसना ग्राण चक्षु, हाँ स्पर्शन रसना ग्राण और चक्षु, समझ में आ रहा है,
कर्ण नहीं, कर्ण नहीं, चार इंद्रिया है बराबर भमरा को, एक 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 बढ़ते जाएगा, समझ में आ रहा है। अब घर घर मरियो सही बहु पी, घर घर मरियो माने धर धर मरियो माने बारंबार, क्या बारंबार मरा, समझ में आ रहा ना, धर धर मरियो सही बहु पी माने बारंबार ऐसी पर्यायों में उत्पन्न होके भी क्या किया उसने, जन्म मरण ही किया, ख्याल आ रहा है ना, माने उसने उसके पास तो विचार करने की शक्ति नहीं है, आत्मा का हित करने की क्या नहीं शक्ति नहीं है, इसलिए वही वही पर्याय में जन्मेगा और फिर दूसरे तिर्यंश गति में कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि तिर्यंश गति में से चारों गति में जा सकते हैं, फिर से तिर्यंश गति में से चारों गति में जा सकते हैं, मनुष्य में से भी चारों गति में जा सकते हैं, पर नरक नारकी मरकर नरक में से दो गति में ही जा सकते हैं, कौन सी दो, मनुष्य या देव, मनुष्य या तिर्यंश, समझ आ रहा है, नरक में से जीव नरक में नहीं जा सकता और नरक में से जीव देव में नहीं जा सकता, और देव में से भी जीव देव में नहीं जा सकता और देव में से जीव नरक में नहीं जा सकता, देव में से भी दो ही गति ओपन है, कौन सी, मनुष्य और तिर्यंश, मनुष्य और तिर्यंश। हाँ क्या है प्रश्न, एक और चार्ट बना, हाँ बोलो, अपन जैसे ही मर गए तभी अपने जो पर्याय है अपन वो पर्याय में चले जाते, जैसे अपन जैसे अपन मतलब मर गए तो अपने जो पर्याय रहते तभी अपन उस पर्याय में चले जाते, जैसे अपन मर जाए जो पर्याय में उसी पर्याय में अपन हम दूसरी गति में, हाँ तो दूसरी गति में हम कब पहुँचेंगे, मैक्सिमम चौथे समय में, माने तीन समय विग्रह गति का और चौथे समय में हम पहुँच गए नई गति में, ख्याल आ रहा है, बीच की जो गति है तीन समय की गति है ना उसको कहेंगे विग्रह गति, उसको क्या कहेंगे विग्रह गति, देखो गति का भी एक चार्ट बना लो, विग्रह गति एक तेजस और कर्मन प्रेजेंट रहते इसलिए नरक में से नरक में जाए तो नरक में से तिर्यंश में जाए पाछू नरक में जाए, नरक में से नरक में नहीं जाते हैं, नरक में से कहाँ जाते हैं तिर्यंश में जाते हैं और फिर वापस नरक में जा सकते हैं, तिर्यंश करके वापस नरक में जा सकते हैं बराबर, हाँ पर नरक में से जीव नरक में नहीं जा सकता। अब देखो संसार की अपेक्षा से कहे, दुख की अपेक्षा से कहे तो चार गति है, कितनी गति है चार गति, सुख की अपेक्षा से कहे तो एक गति, कौन सी पंचम गति बराबर, सिद्ध गति पंचम गति, और एक गति से दूसरी गति में जब जाता है जी तो बीच की जो तीन समय की गति होती है उसको कहते हैं विग्रह गति, उसको क्या कहते हैं, तेजस और कार्मन शरीर विग्रह गति में भी साथ में आता है, औदारिक शरीर नहीं आता है, वैखरिक शरीर नहीं आता है बराबर, आरक शरीर नहीं आता है, पर कौन से दो शरीर आएंगे साथ में, तेजस और कार्मन शरीर आएंगे, समझ में आ रहा है, तीन प्रकार से गति का वर्णन किया, कोई बता सकता है, चलिए बेटा बताओ, हाँ दुख की अपेक्षा चार गति, बहुत बढ़िया, तिर्यंश गति मनुष्य गति नरक गति, बहुत बढ़िया, की अपेक्षा एक गति वो है पंचम गति सिद्ध सिद्ध, फिर जब एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो वो उसके बीच का जो पीरियड है तीन समय का, हाँ वो गति का नाम है विग्रह गति, वेरी गुड, वो गति का नाम है विग्रह गति, ख्याल आ रहा है, तीन समय में तो जी दूसरी गति को प्राप्त कर लेता है, जैसे परिणाम किए होंगे वैसी गति को वो प्राप्त हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ना परिणाम बिगड़ने का भय और सुधारने का क्या रखना उपाय रखना, ये भव हाथ में से निकलते देर लगने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार ये संगनी पंचेंद्रिय पना चला जाएगा फिर से ये प्राप्त करना, दौलत राम जी ने क्या लिखा है चिंतामणि रत्न समान लिखा है ना, लौकिक में देखो हमको कैसा लगता है, हाँ हाँ बहुत बहुत काम करते हैं ना बाहर में तो हम क्या बोलते हैं, हम बहुत थक जाते हैं, क्या बोलते हैं हम थक जाते हैं, ख्याल है ना, आज हम बहुत थक गए, क्यों, क्योंकि हमने बहुत बाहर का काम किया, कभी ऐसा हमको विचार आता है कि हम मिथ्यात्व से थक गए हैं, कैसे कभी ऐसा विचार आता है कि हम मिथ्यात्व से बहुत थक गए हैं, हमको ये चार गति का बहुत थाक लगा है, कभी एक बार भी हमको ऐसा विचार नहीं आता, बार में बहुत काम करके आते हैं हाँ तो क्या निकलता है मुंह में से, आज तो बहुत थक गए हम, पर ये यहाँ पे ये क्या बता रहा है,
हाँ, कि ये जीव को चार गति का क्या नहीं लगता, ठाक नहीं लगता। इसलिए पूज्य बेंश्री का बोल है ना कि ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो कौन करेगा, कि जिसको चार गति का ठाक लगा हो और चार गति का भय लगा हो, वो ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा और कोई नहीं करेगा। क्योंकि जब तक उसको चार गति का भय नहीं लगता, तब तक वो जीव मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करने का क्या नहीं करेगा, प्रयत्न ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना? इसलिए यहाँ पे कह रहे कि भले भले काम ना हो, हाँ अभी ना हो, वर्तमान में ना हो, समझ में आ रहा है, पर संस्कार क्या करते जाओ, डालते जाओ। संस्कार डालते जाएंगे ना तो एक समय ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कि वो संस्कार का फल मिले बिना रहेगा नहीं। वो नहीं होता, साइकिल चलाते थे ना आप लोग जब छोटे थे तब, तो ऐसा कभी होता है कि एक ही बार में ऐसा बिना बिना गिरे ही साइकिल सीख जाए, कभी ऐसा हुआ है? चरिया बेटा, गिरते तो है ही बराबर, और एक बार गिर गए अब फिर छोड़ देते क्या करते हैं, बोलो, जो सिखाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बोलो, जो सिखाने वाले होते हैं वो क्या कर बोलते हैं, हाँ कि चलो चलो नहीं नहीं अरे आप तो सीख जाओगे, प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं, उठा देते हैं कि नहीं वापस, है ना। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ क्या कह रहे हैं कि अगर अगर काम नहीं हो रहा है, हाँ अभी नहीं हो रहा ना, तो आचार्य देव कह रहे, दौलत राम जी कह रहे हैं कि हताश मत हो, हमको प्रोत्साहन दे रहे, क्या क्या प्रोत्साहन दे रहे, कि आत्मा के ज्ञायक के क्या डालते जाओ, संस्कार डालते जाओ, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो संस्कार का फल मिले बिना रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है? एक बार वापस ये पढ़ते हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो परियाय लही त्रसतणी लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर। बहुत सुंदर ये पांचवा छंद था, अब ये छठा छंद, छठे छंद में क्या कह रहे देखो, ऊपर का हेडिंग पढ़ती हूँ, तीर्यंश गति माँ असंगनी अन्य संगनी नो दुख। किसका दुख? असंगनी और संगनी का दुख। किसका दुख? असंगनी और संगनी का दुख। किस कौन सी गति में? तीर्यंज गति में, बराबर। इसलिए हमने भेद किया ना, तीर्यंज गति में दो भेद पढ़ेंगे, बाकी की गति में तो सब कैसे है, संगनी ही है, मन सहित ही होते हैं। अब देखो, अब तीर्यंज भी बना, अभी अभी किसी और गति की बात नहीं, अभी तो बात चल गई अभी तीर्यंज की ही, अभी नारकी को, देव को, मनुष्य को छुआ भी नहीं, अभी तो तीर्यंज में देखो क्या कहते हैं। अभी पढ़ते हैं पहले दो लाइन, कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो मन विन निपट अज्ञानी थयो सिहादिक से नी है क्रूर निबल पशुवति खाए भूर। असंगनी को तो धर्म करने का कोई अवकाश ही नहीं है, धर्म करने का अवकाश किसको है? संगनी को है, बराबर, मन सही तो उसको। इसलिए कहते ना, धर्म माने क्या, धर्म माने, धर्म की बहुत सारी परिभाषा आती है ना, एक परिभाषा तो क्या आती है, वस्तु के स्वभाव को क्या कहते हैं, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। माने जैसे शक्कर का स्वभाव धर्म मीठा है ना, अग्नि का धर्म उष्णता, बराबर। ऐसे आत्मा का धर्म क्या, आत्मा का धर्म क्या, बहुत बढ़िया है ना, ज्ञान स्वभाव ही, ज्ञान स्वभाव जो है वो क्या है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है। और ऐसे धर्म को प्राप्त करते हैं वो पर्याय में क्या प्रकट कर लेते हैं, पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति कर लेते हैं। धर्म की और कोई परिभाषा, बहुत बढ़िया है ना, दर्शन है ना, तो दर्शन को भी धर्म का, बराबर, और चारित्र को भी धर्म का, बराबर। वो 10 धर्म आते हैं ना अपन, वो कौन सी पर्याय है, चारित्र की पर्याय है, कोई अननोन नंबर, चारित्र की पर्याय है, समझ में आ रहा है, चारित्र की पर्याय है 10 धर्म, और सम्यक दर्शन के बिना चारित्र प्रगट नहीं होगा। तीन परिभाषा है ना, वस्तु के स्वभाव को क्या कहते हैं, धर्म, फिर दर्शन को भी क्या कहते हैं, धर्म, और चारित्र को भी क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। देखो अब क्या कहते हैं, देखो, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो
મનવિન નિપટ અજ્ઞાની થયો. કબહુ પંચેન્દ્રિય પશુ ભયો, માને જબ પંચેન્દ્રિય પશુ બના તો મન બિન નિપટ અજ્ઞાની થયો. નિપટ કા અર્થ ક્યા લિયા? અત્યંત મૂળ. નિપટ માને મન બિન નિપટ અજ્ઞાની થયો. નિપટ કા અર્થ ક્યા કહા? નિપટ કા અર્થ ક્યા કહા? નિપટ માને અત્યંત, ઓર અજ્ઞાની માને મૂર્ખ, ઓર ભયો માને થયો. ભયો માને થયો, બરાબર. અબ એસા મૂર્ખ અજ્ઞાની બના, પંચેન્દ્રિય પશુ બના, ઓર તો ભી કેસા બના? અજ્ઞાની મૂર્ખ બના, ક્યુકે ક્યા નહીં હૈ? મન નહીં હૈ, અસંગની બના, બરાબર. અબ વો અસંગની બના તો સિંહાદિક સે ની હૈ ક્રૂર. અબ ક્રૂર પ્રાણીઓ કે દ્વારા ક્યા કિયા ગયા? નિબલ પશુ અતિ ખાયે ભૂલ. નિબલ માને નિર્બલ. નિબલ માને નિબલ માને ક્યાં? તાકાતવર નહીં હો. નિબલ માને જો તાકાતવર નહીં હો, બરાબર ના? જો બલહીન હૈ, ઓર બલહીન બલહીન પ્રાણી બલહીન હૈ, ઓર જો ક્રૂર પશુ હૈ ઉનકે દ્વારા ક્યા કિયા જાતા હૈ? વો ખાયા જાતા હૈ. સમજમાં આ રહા ના? માને કિતના